हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू। मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। कुछ कैलेंडर के आज क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। कैलेंडर ऐसे तो सब अलग अलग प्रकार से बताता है कि इस तरह बनाना है। कैलेंडर कुछ भारी चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन इसमें इतना ना ज़्यादा रहता है कि लोग कैलकुलेशन करते करते सवाल को गलती कर देता है। तो मैं कुछ शॉर्ट करना चाहा हूं और शॉर्ट किया हूं। देखिए किस तरह से शॉर्ट करके बनाया जाता है, जिससे एग्जाम में जो है बहुत जल्दी आप बना पाइएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 12 जून 2017 शनिवार है तो 22 जून 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 12 जून 2017 यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ लिख लिए शनिवार है, 22 जून 2017 कौन सा दिन होगा, वाट का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें देखना क्या है, जो जो सेम सेम रहेगा उसको काट देना है, सेम सेम रहेगा उसको काट देना है। 2017 से 2017 सेम है, काट दिए। जून और जून सेम है, काट दिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर से सिर्फ नीचा देखना है। इसमें क्या होता है, जो नीचे अगर बड़ा है तो घटाते हैं, फिर ऊपर बड़ा है तो जोड़ते हैं। ऐसे करने में सवाल गलत हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ देखना है ऊपर से नीचे। 12 जून था और 22 जून हो गया। डिफरेंस कितने का आया बीच में, 12 जून से 22 जून हुआ, मतलब 10 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे घटाए, 22 में से 12 को घटाए तो 10 हुआ, 10 का डिफरेंस हुआ। मतलब क्या होगा, अगर 12 जून 2017 को शनिवार था तो 22 जून 2017 कौन सा दिन होगा, तो 10 दिन इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे 10 आया, 10 दिन इसमें जोड़ देंगे। या तो 10 दिन जोड़िए या इसका जो है ऑड डेज जोड़िए। ऑड डेज कैसे आता है, 7 से भाग दे करके, 7 से हम भाग देंगे। अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 इसका क्या आ गया, ऑड डेज आ गया। 10 भी जोड़ देते शनिवार में, 10 जोड़ देते शनिवार रविवार, ऐसे करके 10 जोड़ देते फिर भी आंसर आता, लेकिन ऑड डेज करेंगे तो थोड़ा कम समय में जल्दी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, 7 से हम 7 से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि महीना में सप्ताह में 7 दिन होता है और महीना में जो सप्ताह का साइकिल चलता रहता है, 4 सप्ताह हो जाता है, तो इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड किए, 3 आया, 3 को यहाँ पर जोड़ दिए, 3 यहाँ पर जोड़ दिए तो 3 शनिवार, उसके बाद रविवार, सोमवार, उसके बाद मंगलवार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, शनिवार है तो 1 आगे बढ़ाएंगे, शनिवार, उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे मंगलवार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर 7 से डिवाइड किए, 3 और डे जाए, 3 आगे बढ़ा देंगे तो शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये तो हो गया। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो जून जून था, यहाँ तो 17 2017 था, तो जो जो सेम सेम था काट दिए। अगर अप्रैल से सितंबर आ जाए, या जनवरी से दिसंबर आ जाए, या जून से अगस्त आ जाए, तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये कोड बनाया गया है। कोड बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से याद कराते हैं, लेकिन हम जो आपको याद करा रहते हैं वो देखिए। इसमें आप याद कीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लिख लीजिएगा। उसके बाद याद कीजिएगा 14 40 250 36 1 46। ये क्या करना है, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना है, 14 40 250 36 1 46। इसमें क्या होता है, जनरल ईयर के लिए ये पूरा आपका कोड हो गया। लीप ईयर के लिए क्या होता है, सब चीज सेम रहता है, सिर्फ 2 बदलता है। यहाँ पे जनवरी और फरवरी बदलता है, क्योंकि लीप ईयर में दिन बढ़ जाता है तो जनवरी फरवरी बदलता है। तो क्या करेंगे, इसको भी याद करने के लिए वही तरीका, अब बस क्या करेंगे, जनवरी में से -1 और फरवरी में से -1, तो -1 -1 0, अब 4 में से -1 तो 3। मतलब इसमें जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 होता है, किसमें, लीप ईयर में, और जनरल ईयर में तो यही रहता है। अब बाकी 0 0 2 2 5 5 0 0 3 3 6 6 1 1 4 4 6 6 सब सेम रहता है, सब समान ही रहता है। तो अब चलिए आगे देखेंगे, जिसमें जो है ना मंथ अलग अलग रहे, अप्रैल है या सितंबर है। 19 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो बोल रहा है कि 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ तो काट दिए थे, अब यहाँ भी देखिए 2017 से 2017 कट गया। अब अप्रैल से सितंबर को काट दे, नहीं काटना है, क्यों, क्योंकि ये अप्रैल दूसरा महीना है, सितंबर दूसरा महीना, दोनों कैसे काट देंगे, सेम सेम तो है नहीं। तो इसमें
जो है इसी में कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे और जल्दी बनाएंगे। अब यहां से देखेंगे, यहां तो जनवरी फरवरी तो है नहीं, जनवरी फरवरी रहता तो यहां हम चेक करते कि ये आखिर लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है। अगर लीप वर्ष रहता, जनवरी रहता तो ये कोड देते, लेकिन यहां तो अप्रैल सितंबर है तो कुछ देखना नहीं है। अप्रैल का कोड डायरेक्ट उठाना है, अप्रैल का जीरो होता है तो यहां पर प्लस में जीरो लिख देंगे, अप्रैल की जगह पर जीरो। उसके बाद यहां पे अप्रैल की जगह पर जीरो लिख देना, जीरो लिख दिए। अब यहां से फिर उठाएंगे सितंबर का कोड, तो सितंबर का कोड कितना है, सिक्स है, तो यहां पे प्लस में सिक्स लिख देंगे। अब क्या किए, ये भी डिजिट में था, ये भी डिजिट में था और ये शब्द में था। शब्द वाला को हटाने के लिए हम कोड का इस्तेमाल किए, ये शब्द वाला हट गया और डिजिट में आ गया, तो अंक में जब आ गया तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जीरो और उन्नीस, तो उन्नीस हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो छः छः बारह और दो एक तीन, बत्तीस हो गया। अब हम देखेंगे फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये 19 अप्रैल था, अब 19 था और कितना हो गया, 32 हो गया, तो कितना बढ़ा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के 19 से लेकर 32 तक का डिफरेंस कितना है, तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 32, यहाँ पर लिख देंगे 19, घटाएंगे 12 में से 9 गया तो 9 3 12, उसके बाद यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 13 आ गया। या तो 13 को उठा के शनिवार में जोड़ दीजिए, या तो इसका ऑड डेट जोड़िए। ऑड डेट जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 13 को हम 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 देंगे तो यहाँ पर आएगा 6। अब 6 को जोड़ दीजिए, 6 को जोड़ दीजिए उसमें, तो 6 को जोड़ना है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो या तो 6 को जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, मतलब 6 और 1, 6 1 7 होता है, सप्ताह का दिन पूरता है, या तो 6 को जोड़ दीजिए या 1 को घटा दीजिए। तो इसमें से अगर हम 1 को घटा देंगे तो सभी शनिवार में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। 6 जोड़ देंगे फिर भी शुक्रवार आएगा, अरे 1 घटाएंगे फिर भी शुक्रवार आएगा। आपका मन है तो 6 जोड़ दीजिए और नहीं तो 1 घटा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ट्रिक, तो इस ट्रिक से बनाइए और एग्जाम में जल्दी बनेगा सवाल, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसका और आगे है, अभी तो अप्रैल अप्रैल चेंज हुआ है ना, अब यहाँ पर 2017 है, यहाँ 2018 होगा, यहाँ पे जो है ईयर भी चेंज होगा, तो ये ईयर चेंज वाला वीडियो के लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और अगर चाहिए इससे आगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो हम फिर इससे आगे का पार्ट आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।